अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज मी नबीला फ्रॉम इश एंड मिश फैमिली व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं गैलेरिया कफोर फॉन ज़ेल, जो कि फ्रैंकफर्ट हाई स्ट्रीट पे है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे पूरा रूफ टॉप का व्यू। देखते रहिए हमारे साथ ये व्लॉग ताकि आप भी इंजॉय करें इस व्यू को। यहाँ जाने के लिए हमें गाइड किया था कि हमने आना था बोनहैम मिट्ठे, ये एक स्टेशन है। यहाँ पे आप ट्रैम से भी आ सकते हैं और आप अंडरग्राउंड से भी आ सकते हैं। यहाँ से हम अपनी जर्नी का आगाज़ करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हाई स्ट्रीट। लेट्स गो ऑन द हाई स्ट्रीट। ये है जी बोनहैम मिट्ठे का अंडरग्राउंड स्टेशन है। आप यहाँ से अंडरग्राउंड लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं और ओवर द ग्राउंड जो ट्रैम चलती है उससे भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉफ़ी शॉप्स मिल रही हैं, लेकिन हम हैं जी उसकी तलाश में कि हमें पाउंड शॉप मिल जाए जहाँ से हमें कुछ ख़रीदना है। हमने थ्रेड और नीडल ख़रीदना है, सुइंग किट लेनी है, क्योंकि अर्मिश ने अपना कोट यहाँ पे कहीं अड़ा उड़ू के फाड़ दिया था। अब उसको जो मैं स्टिच करने का सोच रही थी, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिला। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ सेफ्टी पिंस नज़र आई थी जो मैंने उठा ली थी और समहा उसके कोट को मैंने एडजस्ट कर दिया था। ये जी सामने फ्रूट की शॉप है, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम यह है जब मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ तो मुझे वहाँ के जो ऑथेंटिक डेकोर शॉप्स हैं या उनका जो ट्रेडिशनल शॉप्स है उनको एक्सप्लोर करने का मज़ा ही बहुत आता है। तो ये सामने बिल्कुल इसके मुझे नज़र आई थी एक क्रिसमस डेकोर की शॉप, जो कि बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस मुझे नज़र आए थे। तो मैंने कहा चले अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। तो जी मैं आ गई हूँ बड़े ही शौक में इस शॉप को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मेरे साथ रिस्क क्या है? मेरे साथ रिस्क है ये जो मेरा छोटा बच्चा और मेरी औलाद। मैं सोच रही हूँ कि इधर से जंप करके किसी चीज़ के ऊपर ना बैठ जाए, किसी चीज़ को किक ना कर दे। इसीलिए मुझे जो है ना सेफ ये लगा है कि मैं उसका हाथ ना छोड़ूँ और साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स बनाती रहूँ। आपको दिखाते हैं शॉप का हाईलाइट और आप भी देख के इंजॉय करें कितने ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। क्रिसमस डेकोर शॉप के बाद जब हम बाहर निकले तो काफ़ी देर चलने के बाद हमें CNA को क्रॉस करके आगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मार्केट नज़र आई है, जो कि फ्रूट स्टॉल्स की है, मीट स्टॉल्स की है और चीज़ वगैरह के स्टॉल्स भी आपको नज़र आएंगे। इस मार्केट को देख के मेरी मेमोरी में एक फ्लैशबैक आया, जो कि है कुछ ऐसे कि जब मैं अपनी मदर के साथ 20-22 साल पहले यहाँ पे आती थी। यहाँ पे ईद या दिवाली के ओकेजन पे इन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज की होती हैं, स्पेशली कथक डांस की, जो कि अभी तक मेरी मेमोरी में। और आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। फ्रूट के बहुत से स्टॉल हैं, फ्लावर्स के स्टॉल्स हैं, चीज़ के मुझे स्टॉल्स नज़र आए हैं, मीट स्टॉल्स भी हैं। ये इनके ट्रेडिशनल स्टॉल्स हैं, ट्रेडिशनल तो नहीं है, लोकल स्टॉल्स कह सकते हैं हम इनको। लोकल जो इनके छोटे वेंडर्स हैं वो यहाँ पे आके मे बी वीकेंड्स पे शायद स्टॉल्स लगाते हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ऑल द टाइम ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हैं जी कुछ एंटी हलाल चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें। वाह, लुक एट दिस, डिफरेंट काइंड ऑफ मशरूम्स। मैंने तो ऐसी मशरूम नहीं देखी पहले, मैं तो बिल्कुल सिंपल आपको टेस्को और एस्टा से मिलती हैं। ये डिफरेंट इनकी काइंड्स हैं मशरूम्स की, छोटी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट इनकी शेप्स हैं मशरूम की। दे लुक लाइक वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम टू बी ऑनेस्ट। जी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आई थिंक सो अराउंड 11 o'clock मे बी 12 o'clock हम बोनहैम मिट्ठे के स्टेशन पे पहुँचे थे और ये शाम के 3 या 4 बज चुके हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाई स्ट्रीट कितनी बड़ी है और अभी तक हमने पूरी हाई स्ट्रीट एक्सप्लोर नहीं किया। एक इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट था बोर्नहैम मिटे और अदर साइड इसकी एंड होती है क्रिसमस मार्केट पे, लेकिन यहाँ पे अभी हम मिडल में है या ऑलमोस्ट टुवर्ड्स क्रिसमस मार्केट है। यहाँ पे आपको बेसिकली वो बिग बिल्डिंग नज़र आएगी या बिग बिल्डिंग मिलेगी जिसकी रूफ टॉप पर जाके हमने पूरा व्यू एक्सप्लोर करना है। तो क्रिसमस का सीज़न है, क्रिसमस से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी स्टॉल्स लगाए हुए हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। और आई वुड ऐड हियर कि हम चूँकि सुबह के बस ब्रेकफास्ट करके बाहर आए और उसके ऊपर बहुत सी वॉक है, बच्चों को तो बिल्कुल भूख फील नहीं हो रही क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चे तो सुपर एक्साइटेड है, दे आर स्टिल वेरी एक्टिव। बट टू बी ऑनेस्ट हम जो बड़े वाले लोग हैं ना, हमें तो शदीद भूख लगी थी। अब यहाँ पर हाई स्ट्रीट पर आपको एज सच कोई ख़ास फूड स्टॉल्स नहीं मिलेंगे और हलाल ऑप्शंस तो ना होने के बराबर ही है। यहाँ पे हमें मिले हैं जी हॉट डॉग सेल करने वाले कुछ स्टॉल्स तो नहीं कह सकते, उन्होंने बस अपना ठेला लगाया हो अपने साथ ही, अभी आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं, और वो हलाल हॉट डॉग्स हैं। तो हमने ट्राई किया कि हम कुछ ना कुछ तो खा लें ताकि एनर्जी थोड़ी सी मिले बॉडी को, ताकि हम और आगे चल सकें। उसके लिए जी हमने अभी यहाँ से हॉट डॉग्स लिए और हमने वो खाया, आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं जी वो स्टॉल्स। अच्छा ये देखें, ये मैंने कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा देखा है, ये कोई सॉसेज बर्गर के रोल बना बना के दे रहे हैं। इस बंदे ने अपने साथ ही ये सारा सिस्टम अटैच किया है, छोटी सी छतरी और ये सब कुछ, और ये हलाल सेल कर रहा है, ये देखें। और ये मार्केट है इस तरफ, सारी बच्चे सारे खड़े हुए हैं इस तरफ, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ब्रैंडन न्यूयॉर्कर। लो जी जनाब, हम आ गए हैं बिल्कुल क्रिसमस मार्केट के सामने और यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, बजा रहे हैं। सामने बहुत खूबसूरत सा हट है। जिंजर ब्रेड जी। तो हाई स्ट्रीट से अब हमने अपने बड़े से शॉपिंग मॉल में एंटर किया जिसका नाम है गैलेरिया का फोर फोन सेल। इसमें जी हमने 14 और मे बी 13 फ्लोर पे एग्जिट किया, लिफ्ट लेके ऊपर आया तो सामने जी खूबसूरत तरीन क्रॉकरी हमारे सामने है, बहुत ही एक्सपेंसिव बट वेरी ब्यूटीफुल। अभी टॉप पे जाने के लिए हमें एक फ्लोर ओवर ऊपर जाना पड़ेगा, वो एस्केलेटर लेना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास लिफ्ट नहीं होगी। तो एस्केलेटर से अब जी हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं द फाइनल व्यू। लो जी गाइस, अभी हम जा रहे हैं रूफ टॉप में, ये क्या जबरदस्त नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, ये देखें। लेट्स गो फ्रॉम दिस एलेस, बहुत ऊपर आए हैं अभी हम 7th-8th फ्लोर पे। वैसे तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहता है हाइट से, हाइट फोबिया हो गया एज के साथ साथ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना खूबसूरत है। वाओ लुक एट दैट, वाओ सो ब्यूटीफुल।
हम इधर एक रेस्टोरेंट में आए वहाँ से हम इसकी रूफ टॉप पे आया थोड़े समय का देखते हैं यहाँ पे सो ब्यूटीफुल बच्चे बैठ गए इधर दे लाइक इट यू लाइक इट यस हाँ ये इनको चर्च भी नजर आए यहाँ पे कह रहे एक दो एंड दिस इज द मे बी द थर्ड वन लुक एट द तो ये था जी रूफ टॉप व्यू जिससे आपको खूबसूरत व्यू पूरा फ्रैंकफर्ट का नज़र आ जाता है। इसके बाद जी हम गए यहाँ खाना खाने क्योंकि बहुत टाइट थे, कहीं और जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम जी खाना खाने किसी पर्शियन रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पे मोहम्मद को बहुत ही कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि टाइट था पूरे दिन का। खाना इंजॉय किया और खाने के बाद हम गए हैं डायरेक्ट होटल, अच्छी सी चाय पी और रेस्ट किया। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ बिग थम्स अप, और उसके साथ इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप शेयर भी करेंगे हमारे चैनल को। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।